मुंबई की पांच खबरें श्री मुंबई टीवी टॉप 5 बुलेटिन में। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सुबह के 10 बज चुके हैं, चलते हैं मुंबई की पांच बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर मुंबई में बारिश से जुड़ी हुई है। आपको बता दें IMD ने मुंबई में बारिश को लेकर 3 अगस्त के लिए येल्लो अलर्ट जारी किया गया है, यानी 3 अगस्त को अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरी खबर वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। आपको बता दें वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। मुंबई इंडियंस के 2 और CSK के सिर्फ 1 खिलाड़ी को मिलेगा मौका। तीसरी खबर मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें मुंबई एयरपोर्ट पर विस्तारा की विमान के इंजन को ट्रक ने मारी टक्कर, जिसके बाद सभी 140 यात्रियों को सुरक्षित किया गया। चौथी खबर मुंबई बांद्रा वर्ली सीलिंग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक व्यक्ति की कूदने की खबर आई, जिसके बाद शख्स को हेलीकॉप्टर से ढूंढा गया और आखिरकार ये शख्स को पुलिस ने खोज निकाला और ADR के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पांचवी खबर कोलते पाटिल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें डेवलपर कोलते पाटिल ने मुंबई के गोरेगांव उपनगर में 2 सोसाइटियों के पुनर्विकास परियोजना का अधिग्रहण किया है। अब ये देखना है कि ये सोसाइटी का रीडेवलपमेंट कब होता है।